हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज का प्लान है, मैं एक्चुअली डीसीपी ऑफिस जा रहा हूँ सुबह एक्चुअली कुछ इंक्वायरी करना है, प्रोसेस जानना है कि ऑफिस अगर खोलना है रेड जोन में तो उसका प्रोसीजर क्या है, क्या तरीका है अप्लाई करना, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसका पता करने के लिए मैं जा रहा हूँ। अभी मैं जाऊँगा मेरे दोस्त के घर, फिर वहाँ से हम लोग मिल के जाएंगे। और आज मैं लॉकडाउन के बाद दूसरी बार गाड़ी बाहर निकाल रहा हूँ, वो भी आज बिना पास है। मेरे पास कुछ पास नहीं है, सामने कोई पास लगा नहीं है। और इससे पहले जो हम लोग जिस गाड़ी में घूम रहे थे उस गाड़ी में तो पास था, इसमें पास नहीं है। देखते अगर कहीं रोकता है कि क्या करता है, फिर पता करेंगे। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज का क्या सीन बनता है। बाहर अच्छा खासा धूप है, 29 डिग्री है। आपको विंडशील्ड थोड़ा ब्लूइश दिख रहा होगा क्योंकि मेरा सामने विंडशील्ड में एक तो मतलब हीट कंट्रोल वाला एक तो फिल्म लगा हुआ है जो कि थोड़ा ब्लूइश है। तो इसी के लिए पुराना वीडियोस में जो देखे होगा वो काफ़ी क्लीन एंड क्लियर है, इसमें थोड़ा शेडी रहेगा। मैं ऑलमोस्ट अभी 7-8 किलोमीटर्स ट्रैवल कर लिया। उस बीच तीन तो मेन चौक गया, वन खंडगिरी चौक, स्टूडियो चौक, नाकागेट चौक, और हर जगह पुलिस लोग खड़े हैं ऑन ड्यूटी, बट कहीं पे भी किसी को रोक नहीं रहे हैं, चेकिंग नहीं कर रहे। मतलब मेरे को जो लग रहा है अभी बिना पास का आप घूम सकते हो, बट बिटवीन 7 AM to 7 PM उसके बाद तो मुश्किल है। कल रात को भी हम लोग गए थे कुछ काम से, तो आते आते रात को अराउंड वही 8-8:30 हो गया था। तो उसके बाद हम लोग को खंडगिरी जो एरिया है उसके अंदर घुसने नहीं दिए क्योंकि ऊपर रोड ब्लॉक कर दिए, इवन इफ बाइक को भी छोड़ नहीं रहे थे। तो फिर हम लोग जैसे तैसे करके दूसरा रोड से घर के तरफ गए। तो ये एक तो स्ट्रिक्ट बन गया है कि 7 AM to 7 PM के अंदर ही जो हो सकता है, और 7 PM to 7 AM मतलब शाम से फिर रात भर फिर सुबह तक कहीं आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो अभी थोड़ा सामने का नज़ारा देखो। ऑलमोस्ट कुछ कुछ दुकान खुल गया, जितना सब एसेंशियल्स गुड है, और बाकी सब दुकान तो बंद ही है। इधर भी कुछ कुछ खुला है। मतलब डीसीपी ऑफिस में कुछ काम होने वाला नहीं है, वहाँ गए थे हम लोग। मतलब वहाँ जो गेट के पास जो पुलिस ऑफिसर खड़े थे वो तो पर कुत्ता बिल्ली जैसे ट्रीट कर रहे थे। जैसे हम लोग गए बोले ए इधर मत आओ, वो लाइन में खड़े रहो, दूर में खड़े रहो। तो हुआ ये कि उन लोग बोले यहाँ कुछ परमिशन मिलने वाला नहीं है, आपको गवर्नमेंट का गाइडलाइंस के हिसाब से करना। अब गवर्नमेंट का गाइडलाइंस के हिसाब से क्या करना है वो हम लोग पता लगाए, तो पता चला कि BMC से परमिशन लेना। तो अभी हम लोग तो लेटर ड्राफ्ट करके BMC से परमिशन लेंगे कि कैसा फिर ऑफिस खोल सकते हैं नहीं खोल सकते, फिर वहाँ BMC ऑफिस जाने के बाद ही पता चलेगा। तो फिर अभी चलो फिर BMC ऑफिस का क्या सीन है वहाँ देखते हैं। भैया अभी हो गया है टाइम 1:01 और अभी तक हमारा परमिशन वाला काम ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है।
तो उसको तो कंटिन्यू करना है, तो हम लोग एक बीच में एक जगह में रुके, ये 4 नंबर मार्केट में रुके हम लोग प्रॉन लेने के लिए। मेरे दोस्त को कुछ प्रॉन लेना है तो यहाँ भी रुके, देखते हैं प्रॉन मिलता है कि नहीं। अभी दोपहर का 1 बज रहा है, लगभग सब चले गए होंगे या फिर सब खाने के लिए कहीं गए होंगे, तो देखते हैं। तो गाइस ऑलमोस्ट प्रोसेस तो पता चल गया कि ऑफिस खोलने के लिए क्या करना है। तो हम लोग गए हुए थे बीएमसी ऑफिस, तो बीएमसी ऑफिस में पूछे तो उन लोग बताए कि एक एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा बीएमसी का जो मेल आईडी पे, अपना ऑफिस का लेटर हेड में स्कैन कॉपी को मेल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उन लोग रिवर्ट करेंगे परमिशन लेटर, तो उसके बाद जाके ऑफिस खोल सको। तो मैंने जब पूछा उसका जो मे आई हेल्प यू में जो आदमी बैठा था, तो उसने कहा कि आप लोग पहले मेल तो करो, फिर कितना दिन में परमिशन मिलेगा वो फिर देखेंगे। तो मैं डाउट में रह गया, तुरंत परमिशन मिलेगा या लेट में मिलेगा, वो तो रिवर्ट मेल आने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी ऑलमोस्ट हो गया है 3 बजने वाला, 2:45 हो रहा है, तो मैं घर पहुँचते 3 बज जाएगा। ज़बरदस्त भूख लग रहा है, अब जाके अच्छा से पहले खाना खाऊंगा, फिर ये वीडियो एडिट करूंगा और 9 बजे को एडिट और 9 बजे तक ये वीडियो लाइव आ जाएगा, ठीक है। तो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय। Oh, oh, oh.